हेलो, आई एम वीना देरासरी फ्रॉम बदाली खेड़ा, कक्षा 6, चैप्टर 3, टारोज रिवॉर्ड, तारो का पुरस्कार। बिफोर यू रीड, इससे पहले कि आप पढ़ें, दिस इज ए स्टोरी, यह एक कहानी है अबाउट ए थॉटफुल एंड लविंग सन, एक विचारशील और प्यारे बेटे की। ही वर्क्स हार्ड, वो कठोर परिश्रम करता है टू फुलफिल हिज पेरेंट्स, ताकि वो अपने माता पिता की, पेरेंट्स की इच्छाओं को, विशेष को फुलफिल कर सके, पूर्ति कर सके। एंड गेट सम अनएक्सपेक्टेड हेल्प, और उसको अनअपेक्षित, जैसे उसने आशा भी नहीं की थी, हेल्प प्राप्त करता है, सहायता प्राप्त करता है। ए यंग वुड कटर नेम्ड टारो, एक युवा लकड़हारा, लकड़ी काटने वाला, जिसका नाम टारो था, लिव्ड विद हिज मदर एंड फादर, वह अपनी माँ और पिता के साथ रहता था, ऑन ए लॉनली हिल साइड, एकांत में पहाड़ी की तरफ। ऑल डे लॉन्ग, पूरे दिन भर, ही चॉप्ड वुड, वह लकड़ियों को चॉप करता, काटता, इन द फॉरेस्ट, जंगल में। दो ही वर्कड वेरी हार्ड, यद्यपि वह कठोर मेहनत करता, बहुत कठोर परिश्रम करता, ही अर्न वेरी लिटिल मनी, तो भी वह बहुत ही कम, लिटिल, न के बराबर पैसा जो है कमाता था। दिस मेड हिम सैड, इससे वह उदास रहता था, फॉर ही वॉज ए थॉटफुल सन, क्योंकि वह एक विचारशील बेटा था, एंड वॉन्टेड टू गिव हिज ऑल पेरेंट्स एवरी थिंग, और उसके पेरेंट्स को, अभिभावक को, वह सब कुछ, एवरीथिंग देना चाहता था। दे नीडेड, जिसकी उनको आवश्यकता होती थी, जरूरत होती थी। वन इवनिंग, एक शाम को, व्हेन टारो एंड हिज पेरेंट्स वर सिटिंग इन ए कॉर्नर, जब टारो और उसके माता पिता एक कोने में बैठे हुए थे, ऑफ देयर हट, उनकी झोपड़ी के, ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, और एक तेज विंड, हवा जो है बहने लगी, इट विसल्ड थ्रू द क्रैक्स, और इसने सीटियाँ बजाई, सीटियों की जैसे आवाज़ निकाली, थ्रू द क्रैक्स, दरारों में से, ऑफ द हट, झोंपड़ी की, यानी कि हवा ने, विंड ने बहुत तेज तेज सीटियों जैसे आवाज़ की। एंड एवरी वन फेल्ट वेरी कोल्ड, और प्रत्येक व्यक्ति ने बहुत ही ज़्यादा ठंड फेल्ट महसूस की। सडनली, अचानक, टारोज फादर से, टारो के पिताजी बोले, आई विश, मैं इच्छा करता हूँ, आई हैड ए कप ऑफ साके, कि मेरे को एक कप साके मिल जाता, जैसे अपन चाय पीते हैं वैसे साके पीते हैं जापानी लोग, इट वुड वार्म मी, ये मेरे को गर्म करता, एंड डू मी, डू माई ओल्ड हार्ट गुड, और मेरे जो बुढ़ा हृदय है, दिल है, उसको थोड़ा अच्छा रहता, अगर मेरे को साके पीने को मिल जाता एक कप। दिस मेड टारो सैडर देन एवर, इससे टारो पहले की तुलना में और अधिक उदास हो गया, सैड की तुलना में सैडर, और अधिक उदास, फॉर, क्योंकि, द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक, हृदय को गर्म करने वाला जो पेय पदार्थ है, कॉल्ड साके, जिसको साके कहते थे, वॉज वेरी एक्सपेंसिव, वो बहुत ही महंगा था। हाउ डू आई अर्न मोर मनी, मैं और अधिक पैसा कैसे कमा सकता हूँ, अर्न, कमाना। ही आस्ट हिमसेल्फ, वह उसने अपने आप से सवाल किया, हाउ डू आई गेट ए लिटिल साके फॉर माई पुअर ओल्ड फादर, मैं मेरे बेचारे पिताजी के लिए, जो वृद्ध पिताजी हैं, उनके लिए एक साके कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर, तो उसने पहले की तुलना में और अधिक कठोर परिश्रम करने का डिसाइड किया, निश्चय किया। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, टारो जम्प्ड आउट ऑफ बेड, वह बिस्तर से उछल करके बाहर आया, अर्लियर, और अधिक जल्दी, देन यूजुअल, हमेशा की तुलना में, एंड मेड हिज वे, और उसने अपना रास्ता बनाया, यानी चला गया टू द फॉरेस्ट, जंगल में। ही चॉप्ड एंड कट, चॉप्ड एंड कट, वह लगातार चीरता रहा, काटता रहा, यानी दोनों का मतलब एक ही होता है, चॉप मतलब ही काटना, कट मतलब ही काटना, दो बार कहा गया, मतलब इस पर विशेष जोर दिया गया है कि वह लगातार काटता गया, काटता गया। एज द सन क्लाइम्ब,
कब तक? जब तक कि सूर्य चढ़ गया यानी धूप आ गई, एंड सून जल्दी ही वो सो वार्म, वह इतना गर्म हो गया, उसको इतनी गर्मी लगने लग गई दैट ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट, कि उसको उसका जैकेट उतारना पड़ा, टेक ऑफ करना पड़ा। हिज माउथ वॉज ड्राई, उसका मुंह सूखा हो गया था, एंड हिज फेस वॉज वेट विद स्वेट, और उसका चेहरा पसीने से वेट हो गया था, गीला हो गया था, स्वेट पसीना। माई पुअर ओल्ड फादर, मेरे बेचारे वृद्ध पिताजी, ही थॉट, उसने सोचा, इफ ओनली ही वॉज एज वार्म एज आई, कि एक काश अगर ऐसा होता कि उसके पिताजी भी उतने ही गर्म हो जाते जितना कि मैं हूँ, एज आई। एंड विद दैट ही बिगेन टू चॉप इवन फास्टर, और ऐसा करके ऐसा सोचते हुए उसने और भी तेज गति से, फास्टर, तेजी से चॉप करना शुरू किया, काटना शुरू किया। थिंकिंग ऑफ द एक्स्ट्रा मनी, और अधिक अतिरिक्त पैसे के बारे में सोचते हुए, ही मस्ट अर्न, उसको बहुत जरूरी था कमाना, टू बाय द साके, ताकि वो साके खरीद सके, टू वार्म द ओल्ड मैंस बोन्स, जिससे वो वृद्ध व्यक्ति की बोन्स को गर्म कर सके, हड्डियों को गर्म कर सके, बोन यानी हड्डी, बोन्स हड्डियाँ। देन सडनली, तब अचानक, टारो स्टॉप्ड चॉपिंग, टारो ने काटना रोक दिया, स्टॉप कर दिया। वॉट वॉज दैट साउंड ही हर्ड, जो उसने सुना वो क्या आवाज़ थी? कुड इट बी, ये क्या हो सकती थी? कुड इट पॉसिबली बी रशिंग वाटर, क्या ये संभव है कि वह बहता हुआ पानी? टारो कुड नॉट रिमेम्बर, टारो याद नहीं कर सका, एवर सीन, कि कभी उसने देखा हो और हियरिंग सुना हो ए रशिंग स्ट्रीम, एक बहती हुई धारा के बारे में, इन दैट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल के उस भाग में। ही वॉज थर्स्टी, वह प्यासा था। द एक्स ड्रॉप्ड आउट ऑफ हिज हैंड्स, कुल्हाड़ी उसके हाथ से गिर गई, एंड ही रैन, और वह भागा, इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, आवाज की दिशा में, डायरेक्शन में। टारो सो अ ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल, टारो ने क्या देखा? एक बहुत ही सुंदर छोटा सा पानी का फॉल गिरना, प्रपात, झरना, हिडन, छिपा हुआ, बिहाइंड ए रॉक, एक चट्टान के पीछे। नीलिंग एट ए प्लेस, नील का मतलब घुटने के बल झुकना, एट ए प्लेस, एक जगह से, वेयर द वाटर फ्लोड क्वाइटली, जहाँ पर पानी जो है फ्लो कर रहा था, बह रहा था क्वाइटली, चुपचाप यानी शांत गति से, जब पानी बह रहा था वहाँ पर वो नीलिंग झुकते हुए घुटनों पर, ही कप्ड ए लिटिल इन हिज हैंड्स, उसने उसके हाथों को कप जैसा बनाया, एंड पुट इट टू हिज लिप्स, और उसने इन कप जैसे हाथों को पानी बना करके अपने होठों तक रखा। वॉज इट वाटर, क्या ये पानी था? और या वॉज इट साके, क्या ये साके था? ही टेस्टेड इट अगेन एंड अगेन, उसने बार बार चखा, टेस्ट किया, एंड ऑलवेज इट वॉज द डिलीशियस साके इंस्टीड ऑफ कोल्ड वाटर, और हमेशा हर बार वह क्या था? स्वादिष्ट साके था, ठंडे पानी की जगह पर, इंस्टीड, बजाय, स्थान पर। टारो क्विकली फिल्ड द पिचर, टारो ने फुर्ती से पिचर को, घड़े को फिल्ड भर लिया। ही हैड विद हिम, और उसने उसके साथ में लिया, एंड हरीड होम, और फुर्ती से, हरी के साथ मतलब शीघ्रता से, होम, घर पर आया। द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड, वृद्ध व्यक्ति बड़ा खुश हो गया, डिलाइट हो गया विद द साके, साके से। आफ्टर ओनली वन स्वेलो, एक स्वेलो यानी एक घूंट निगलने के बाद ही, ऑफ द लिक्विड, उस तरल पदार्थ की, ही स्टॉप्ड, वह रुका, शिवरिंग, कांपना यानी उसका कांपना रुक गया, एंड डिड ए लिटिल डांस, और उसने थोड़ा सा डांस भी किया, इन द मिडिल ऑफ द फ्लोर, फर्श के बीचों बीच। दैट आफ्टरनून, उस दोपहर को, ए नेबर स्टॉप्ड बाई फॉर ए विजिट, एक पड़ोसन जो है रुकी वहां पर थोड़ी देर के लिए, मिलने के लिए आई, विजिट के लिए। टारोज फादर पोलाइटली ऑफर्ड हर ए कप ऑफ दी साके, तो टारो के पिताजी ने बड़ी ही पोलाइटली, विनम्रता से उस नेबर को, पड़ोसन को ऑफर किया
ए कप ऑफ साके, एक कप साके का। द लेडी ड्रैंक इट ग्रीडिली, उस महिला ने, महिला पड़ोसन ने उसको बड़े ही ललचाई दृष्टि से, लालच के साथ में ग्रीडिली ड्रैंक पिया। एंड थैंक्ड द ओल्ड मैन, और उस वृद्ध व्यक्ति को धन्यवाद दिया। देन टारो टोल्ड हर, तब टारो ने उससे कहा, द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल, उस जादुई पानी के झरने की कहानी। थैंकिंग देम, उनको धन्यवाद देते हुए, फॉर द डिलीशियस ड्रिंक, उस स्वादिष्ट पेय के लिए, शी लेफ्ट इन हरी, वह शीघ्रता से उस जगह को छोड़ दिया, यानी वहां से चली गई। बाई नाइट फॉल, रात्रि गिरने तक, यानी रात होने तक, शी हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द होल विलेज, उसने, उस पड़ोसन ने उस कहानी को पूरे गांव में स्प्रेड कर दिया, फैला दिया। दैट इवनिंग, उसी शाम, देर वॉज ए लॉन्ग प्रोसेशन, एक लंबा जुलूस लग गया ऑफ विजिटर्स, मिलने वालों का, टू द वुड कटर्स हाउस, लकड़हारे के घर पर। ईच मैन हर्ड, प्रत्येक व्यक्ति ने सुना, द स्टोरी ऑफ द वाटरफॉल, उस झरने की कहानी। एंड टुक ए सिप ऑफ द साके, और हर व्यक्ति ने उस साके की एक सिप, यानी एक घूट पी, चुस्की ली। इन लेस देन एन आवर, 1 घंटे से भी कम समय में, द पिचर वॉज एम्प्टी, घड़ा खाली हो गया था। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, टारो स्टार्टेड फॉर वर्क, टारो काम के लिए रवाना हुआ, इवन अर्लियर, यहाँ तक कि और जल्दी, देन द मॉर्निंग बिफोर, यानी पिछली सुबह से भी और अधिक जल्दी रवाना हुआ। ही कैरीड विद हिम द लार्जेस्ट पिचर, और वह उसके साथ में सबसे जो बड़ा था, लार्जेस्ट, सबसे बड़ा जो पिचर था, घड़ा, ही ओन, जो उसके पास था उसका, फॉर ही इंटेंडेड, क्योंकि, फॉर क्योंकि ही इंटेंडेड, उसका इरादा था, फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले, टू गो टू द वाटरफॉल, कि वो वाटरफॉल यानी झरने के पास जाएगा। वेन ही रिच्ड इट, और जब वह वहां पहुंचा, रिच्ड पहुंचा, ही फाउंड, उसने क्या पाया, टू हिज ग्रेट सरप्राइज, उसको बहुत अधिक आश्चर्य हुआ, ऑल हिज नेबर्स देयर, कि उसके सभी पड़ोसी वहां थे। दे वर कैरिंग पिचर्स, जार्स, बकेट्स, एनीथिंग, और वे सब क्या लिए हुए थे, घड़े, जार, बाल्टियां, कुछ भी जो वो फाइंड पा सकते थे, टू होल्ड द मैजिक सेक, मैजिक साके, जिसमें कि वो मैजिक साके को भर सके। देन वन विलेजर नेल्ट, तब एक गांव वाला झुका घुटनों बल, एंड हेल्ड हिज माउथ अंडर द वाटरफॉल टू ड्रिंक, और उसने अपने मुंह को झरने के नीचे रखा पीने के लिए। ही ड्रैंक, उसने पिया, अगेन एंड अगेन, बार बार। एंड देन शाउटेड, और फिर चिल्लाया एंग्रीली, गुस्से में, वाटर, पानी, नथिंग बट वाटर, कुछ भी नहीं है, ये केवल पानी। अदर्स ऑल्सो ट्राइड, दूसरों ने भी कोशिश की, बट देयर वॉज नो साके, ओनली कोल्ड वाटर, लेकिन वहां पर साके नहीं था, केवल ठंडा पानी था। वी हैव बीन ट्रिक्ड, हमारे साथ ट्रिक की गई है, यानी धोखा किया गया है, छल किया गया है। शाउटेड द विलेजर्स, गांव वाले चिल्लाए, वेयर इज टारो, टारो कहाँ है, लेट्स ड्राउन हिम इन दिस वाटरफॉल, ऐसा करते उसको इस झरने में ही ड्राउन कर देते हैं, डुबो देते हैं। बट टारो हैड बीन वाइज इनफ, लेकिन टारो पर्याप्त मात्रा में काफी वाइज था, बुद्धिमान था, टू स्लिप, वो खिसक गया, स्लिप कर गया, बिहाइंड ए रॉक, एक चट्टान के पीछे से। वेन ही सो, जब उसने ये देखा, हाउ थिंग्स वर गोइंग, कि कैसी कैसी थिंग्स हो रही थी, बातें हो रही थी, ही वॉज नो वेयर टू बी फाउंड, उसको कहीं भी नहीं पाया गया, यानी कि वो कहीं नहीं मिला। मटरिंग देयर एंगर एंड डिसअपॉइंटमेंट, निराशा और गुस्से में मटरिंग करते हुए, बड़बड़ाते हुए, डिसअपॉइंटमेंट, निराशा, द विलेजर्स लेफ्ट द प्लेस, गांव वालों ने उस जगह को छोड़ दिया, वन बाय वन, एक एक करके, यानी उस जगह से गांव वाले एक एक करके चले गए, गुस्से में बड़बड़ करते हुए। टारो केम आउट फ्रॉम, फिर टारो बाहर आया फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस, जहाँ से वो छिपरा था। वॉज इट ट्रू, क्या ये सही था, ही वंडर्ड, उसको आश्चर्य हुआ। वॉज द साके ए ड्रीम, क्या साके एक स्वप्न था।
वंस मोर ही कॉट ए लिटिल लिक्विड इन हिज हैंड, एक बार फिर उसने थोड़ा सा लिक्विड यानी तरल पदार्थ लिया इन हिज हैंड उसके हाथों में, एंड पुट इट टू हिज लिप्स और उसने उसको होठों तक रखा। इट वॉज द सेम फाइन साके, ये बिल्कुल वही का वही वैसा का वैसा सेम टू सेम बहुत ही अच्छा फाइन साके था। टू द थॉटफुल सन, उस विचारशील बेटे के लिए, द मैजिक वाटरफॉल गेव द डिलीशियस साके, उस जादुई झरने ने स्वादिष्ट साके दिया। टू एवरी वन एल्स, और प्रत्येक दूसरे व्यक्ति के लिए, अन्य के लिए, एल्स के लिए, इट गेव ओनली कोल्ड वाटर, जादुई झरने ने केवल ठंडा पानी दिया। द स्टोरी ऑफ टारो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रिच्ड द एम्परर ऑफ जापान, ये कहानी टारो और उसके जादुई झरने की जापान का जो एम्परर था, सम्राट था, उस तक पहुंच गई। रिच्ड ही सेंड फॉर, उसने बुलाया द यंग वुड कटर, युवा लकड़हारे को, लकड़ी काटने वाले को, एंड रिवॉर्डेड हिम, उसको सम्मानित किया विद 20 पीसेज ऑफ गोल्ड, सोने के 20 पीस दे करके, फॉर हैविंग बीन सो गुड एंड काइंड, किसके लिए, इतने अच्छे और दयालु होने के लिए। देन ही नेम्ड द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर टारो, फिर उस सम्राट ने उस सबसे ज़्यादा जो सुंदर फाउंटेन था, झरना था, उस शहर का, सिटी का, उसको नेम आफ्टर टारो किया, यानी टारो के नाम पर किया, उस झरने का नाम टारो के नाम पर रखा। दिस सेड द एम्परर, और दिस वॉज टू इनकरेज, सेड द एम्परर, एम्परर ने क्या कहा, दिस वॉज टू इनकरेज, ये था इनकरेज करने के लिए, हौसला बढ़ाने के लिए, साहस दिलाने के लिए, ऑल चिल्ड्रन, सभी बच्चों को, टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स, कि वो उनके अभिभावकों को, माता पिता को ऑनर करें, सम्मान दें, एंड ओबे करें, आज्ञा का पालन करें, कहना माने। ए जापानीज स्टोरी रिटोल्ड, ये जापानी कहानी है जो वापस कही गई है। क्वेश्चन 1, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन 1, व्हाई डिड टारो रन इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम, टारो स्ट्रीम जो थी धारा, उसकी दिशा में क्यों भागा। टारो रेन इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम बिकॉज ही हैड हर्ड द साउंड ऑफ फॉलिंग वाटर अर्लियर, इससे पहले, ही हैड नाइदर हर्ड नॉर सीन, न तो सुनी न देखी, एनी स्ट्रीम नियर बाई, आस पास कोई भी स्ट्रीम धारा। सो ही रैन टू सी वॉट इट वॉज, इसलिए वह ये देखने के लिए भागा कि ये क्या था। हाउ डिड टारोज फादर शो, टारो के पिताजी ने कैसे प्रदर्शित किया हिज हैप्पीनेस, उनकी खुशी, आफ्टर ड्रिंकिंग साके, साके को पीने के बाद। टारोज फादर, टारो के पिताजी, स्टॉप्ड सीवरिंग, कांपना रुक गया उनका, एंड डिड ए लिटिल डांस, और उन्होंने थोड़ा सा डांस भी किया इन द मिडिल ऑफ द फ्लोर, फर्श के बीच में। दस ही शोड हिज हैप्पीनेस, इस प्रकार से उन्होंने अपनी खुशी दिखाई। क्वेश्चन 3, व्हाई डिड द वाटरफॉल गिव टारो साके, वाटरफॉल ने, झरने ने टारो को साके क्यों दिया, एंड अदर्स वाटर, और दूसरों को पानी क्यों दिया। सॉल्यूशन है, द वाटरफॉल गेव साके टू टारो, झरने ने टारो को दिया साके, बिकॉज, क्योंकि, ही वॉज ए थॉटफुल सन, क्योंकि वो एक विचारशील बेटा था। इट वॉज हिज रिवॉर्ड फॉर हिज केयर ऑफ हिज ओल्ड पेरेंट्स, ये उसका सम्मान था, पुरस्कार था, अपने वृद्ध पेरेंट्स की परवाह करने के लिए। सिंस नो वन एल्स हैड दैट क्वालिटी, और क्योंकि अन्य किसी भी दूसरे व्यक्ति में ऐसा क्वालिटी नहीं था, गुण नहीं था, दे गोट ओनली कोल्ड वाटर, इसलिए उनको केवल ठंडा पानी प्राप्त हुआ। वाई डिड द विलेजर्स वॉन्ट टू ड्राउन टारो, गांव वाले टारो को डुबोना, ड्राउन करना क्यों चाहते थे। सॉल्यूशन, द विलेजर्स वॉन्टेड टू ड्राउन टारो बिकॉज दे थॉट, क्योंकि उन्होंने सोचा,
दैट दे हैड बीन ट्रिक्ड बाय हिम, कि उन्होंने उसके साथ ट्रिक की है, यानी उनको छला है, धोखा किया है। टारो हैड टोल्ड देम, जो टारो ने उनको कहा था, दैट द वाटरफॉल गेव साके, कि जो झरना है वो साके देता था। दे वर गेटिंग कोल्ड वाटर, और उनको तो ठंडा पानी प्राप्त हो रहा था। वाई डिड द एम्परर रिवॉर्ड टारो, सम्राट ने, एम्परर ने टारो को रिवॉर्ड क्यों किया, पुरस्कृत क्यों किया। द एम्परर रिवॉर्डेड टारो फॉर बीइंग वेरी गुड एंड काइंड टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स। दिस वॉज द एम्परर्स वे, ये सम्राट का एक तरीका था, टू इनकरेज ऑल चिल्ड्रन, जिससे वो सभी बच्चों को इनकरेज कर सके, हौसला बढ़ा सके, टू ऑनर, कि वो ऑनर करें, सम्मान करें, एंड ओबे देयर पेरेंट्स। मार्क द राइट आइटम, अब जो राइट आइटम है उस पर निशान लगाएं। क्वेश्चन 1, टारो अर्न वेरी लिटिल मनी बिकॉज, टारो बहुत ही कम पैसा कमाता था, क्योंकि, बिकॉज क्योंकि, ही डिडंट वर्क हार्ड इनफ, वो पर्याप्त मात्रा में कठोर परिश्रम नहीं करता था। दूसरा है, द विलेजर्स डिडंट नीड वुड, गांव वालों को लकड़ी की जरूरत नहीं थी। तीसरा है, द प्राइस ऑफ वुड वॉज वेरी लो, लकड़ी की कीमतें बहुत कम थी। सही आंसर है, द प्राइस ऑफ वुड वॉज वेरी लो, लकड़ी की कीमतें बहुत ही कम थी, इसलिए वो कम पैसा कमाता था। क्वेश्चन 2, टारो डिसाइडेड टू अर्न एक्स्ट्रा मनी, टारो ने अतिरिक्त पैसा कमाने का निश्चय किया। टू लीव ए मोर कंफर्टेबल लाइफ, और अधिक आरामदायक जीवन जीने के लिए। टू बाई हिज ओल्ड फादर सम साके, जिससे वह उसके वृद्ध पिता के लिए कुछ साके खरीद सके। टू रिपेयर द क्रैक्स इन द हट, ताकि वो उसकी झोपड़ी की दरारों की मरम्मत कर सके। सही आंसर है, टू बाई हिज ओल्ड फादर सम साके, कि उसके वृद्ध पिताजी के लिए वो थोड़ा सा साके को बाई कर सके, खरीद सके। द नेबर लेफ्ट टारोज हट इन ए हरी, पड़ोसन ने टारो की झोपड़ी को जल्दी में छोड़ दिया, यानी जल्दी से वहाँ से रवाना हो गई। बिकॉज क्योंकि, नंबर 1, शी वॉज डिलाइटेड विद द ड्रिंक, वह पेय पदार्थ पी करके बड़ी डिलाइट हो गई थी, खुश हो गई थी। शी वॉज एस्टोनिश्ड टू हियर टारो स्टोरी, वह टारो की कहानी सुन करके आश्चर्यचकित हो गई थी। शी वॉन्टेड टू टेल द होल विलेज अबाउट द वाटरफॉल, वह उस पानी के झरने के बारे में पूरे गांव को बताना चाहती थी। सॉल्यूशन है दिस, शी वॉन्टेड टू टेल, वह कहना चाहती थी द होल विलेज, पूरे गांव को, अबाउट द वाटरफॉल। फाइंड दीज सेंटेंसेज इन द स्टोरी एंड फिल इन द ब्लैंक्स, इन वाक्यों को कहानी में से ढूंढें और रिक्त स्थान की जो है ब्लैंक स्थान है उसको फिल करें, भरें। दिस मेड टारो ब्लैंक स्थान देन एवर, ही डिसाइडेड टू वर्क देन बिफोर। नेक्स्ट मॉर्निंग टारो जम्प्ड आउट ऑफ बेड, ब्लैंक स्पेस, देन यूजुअल। ही बिगेन टू चॉप इवन, ब्लैंक स्पेस। नेक्स्ट मॉर्निंग टारो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन, ब्लैंक स्पेस, देन द मॉर्निंग बिफोर। इनके आंसर है सेडर, हार्डर, अर्लियर, फास्टर, अर्लियर। थैंक यू।